हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है डूम्स इंटर का एपिसोड 42। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शर्ट में देखते हैं शेन एक कसिनो के अंदर आया हुआ है। इस कसिनो के एक टूर्नामेंट के अंदर शेन ने अपने पैसे लगाए जिसके अंदर शेन जीत भी जाता है, लेकिन कसिनो वाले शेन को पैसे देने से मना कर देते हैं। वो शेन से कहते हैं, आपने हमारे मास्टर को मार दिया है, आपने नियमों को तोड़ा है, इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, और दूसरा ऑप्शन, आप खुद इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपने उस मॉन्स्टर को हरा दिया या फिर 3 मिनट तक इस मॉन्स्टर के सामने सर्वाइव कर गए तो इस कॉम्पिटिशन का जो भी इनाम है वो आपको मिल जाएगा। शिन बिना कुछ सोचे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है और फिर बोट में जाकर खड़ा हो जाता है। इस टाइम पर शिन के साथ में एक और बंदा होता है जो कि शिन से पहले इस बोट पे था। शिन के उस बोट के अंदर चढ़ जाने के बाद में होस्ट कहता है, हमारे पास में एक बहुत शानदार गेस्ट है जो कि खुद इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है, ये बहुत ज़्यादा बहादुर है, लेकिन केवल बहादुरी से इस कॉम्पिटिशन को जीता नहीं सकता, इनके अंदर पावर भी होनी चाहिए जो कि अब पता चल जाएगी। कॉम्पिटिशन के एंड होने तक हम सब के सब जान जाएंगे ये एक ट्रू वॉरियर है या फिर एक फेक वॉरियर है। ऑडियंस चिल्लाने लगती है, कोई वॉरियर नहीं है ये पूरी तरह से स्टूपिड है। ये लड़का केवल सुसाइड करने के लिए यहाँ पर आया है, इसने सुसाइड करने का एक नया तरीका ढूंढा है। इसी टाइम पर कुछ और ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है। वो कहती है, आज का ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। होस्ट कहता है, अब हम इस कॉम्पिटिशन शुरू करेंगे, टाइम नोट करना शुरू कर दीजिए। जिसने अभी तक पैसे नहीं लगाए वो सबके सब पैसे लगाइए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको वापस मिलेंगे। स्पेशली इस कॉम्पिटिशन के लिए हमने 3 बीस्ट को तैयार किया है जिन्हें अब इस पूल के तहत छोड़ा जा रहा है। होस्ट के कहने के साथ ही 3 बीस्ट को उस पूल के अंदर छोड़ दिया जाता है। वो तीनों बीस्ट उस बोट के आसपास घूमने लगते हैं। ये देखकर ऑडियंस में से एक चिल्लाए कहता है, ये लड़का केवल 20 सेकंड तक ही इस पूल के अंदर सर्वाइव कर पाएगा, इसके ऊपर मैं 3 मिलियन पॉइंट्स लगाता हूँ। दूसरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है 20 सेकंड तक कर जाएगा? मैक्सिमम 15 सेकंड तक करेगा, उससे ज़्यादा नहीं टिक सकता। इसी टाइम पर यूहो बहुत खुश हो रहा होता है। यूहो चिल्लाए कहता है, मेरे को शेन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे पता है शेन कितना पावरफुल है, मैं शेन के ऊपर 200 मिलियन पॉइंट्स लगाता हूँ, ये इस मैच को सर्वाइव कर जाएगा और कोई भी मॉन्स्टर इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही कहते हुए यूहो भी 200 मिलियन पॉइंट्स की बैट शेन के ऊपर लगा देता है। तभी यूहो के पास में कोई आता है और उसे कहता है, तुम्हारे आसपास में यहाँ कोई नहीं बैठा है ना? हम देखते हैं ये वही लड़की है जिसने शेन को वो कार्ड भेजा था। ये लड़की आई कहती है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो तो क्या मैं इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पर बैठ कर देख सकती हूँ? यूहो को इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। यूहो कहता है, बैठ जाओ। वो लड़की यूहो के पास में बैठ जाती है। फिर उससे पूछती है, जी लड़का जो भी बोट के ऊपर है ये तुम्हारे साथ में आया था और मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हो, क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं हो रही? यूहो कहता है, नहीं मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो एक बहुत शानदार हंटर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो, इसी वजह से तो मैंने उसके ऊपर इतने सारे पैसे लगाए। तुम चाहो तो तुम भी उसके ऊपर पैसे लगा सकती हो, अगर तुम उसमें जीत जाती हो तो जीत के पूरे पैसे तुम्हारे होंगे, और अगर तुम हार जाती हो तो पूरे पैसे तुम्हें मैं दे दूंगा। वो लड़की कहती है, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को अब कोई पैसे नहीं लगाने हैं, मैं तो बस अब इस कॉम्पिटिशन को देखना चाहती हूँ। तभी होस्ट चिल्ला कहता है, कॉम्पिटिशन बिगिन। होस्ट कितने कहते ही टाइम शुरू हो जाता है। शेन के साथ वो लड़का जो कि उस बोट के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है, अब हम मरेंगे, टाइम शुरू हो चुका है, मॉन्स्टर्स हमें आके मार देंगे। इसी टाइम पर शेन बिल्कुल भी डरा नहीं होता। शेन अपने हाथ में अपनी तलवार समन करता है और सोचने लगता है, मेरी पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मेरे को अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी समय ये लड़की शेन के हाथ में उस वेपन को देख लेती है और कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास में इतना ताकतवर वेपन है। तभी वो तीनों मॉन्स्टर शेन के उस बोट के कब्जे के पास पहुँच जाते हैं और शेन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी शेन उस आदमी से कहता है, बिल्कुल भी अपनी आँखें बंद मत करना वरना। ये कहते हुए शेन को अटैक करता है। शेन का ये वाला अटैक एक के साथ में अपने तीनों साइड में होता है, तीनों साइड से मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। अटैक तीनों मॉन्स्टर्स पे पड़ता है और एक के झटके में तीनों मॉन्स्टर मर जाते हैं। शेन अपनी बात पूरी करता है, वरना तुम इन मॉन्स्टर्स को मरते हुए नहीं देख पाओगे। फिर हम देखते हैं उस पूल के अंदर उन मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी हुई है, मॉन्स्टर्स के टुकड़े हो गए हैं। ये देखकर उस सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। उनमें से कुछ कहते हैं, ये अचानक से क्या हुआ, एक ही सेकंड में तीनों मॉन्स्टर मर गए, मेरे को तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया। ये देखकर ये लड़की कहती है, तुमने उसकी तलवार को देखा, उसकी तलवार नॉर्मल तलवार से 1 इंच ज़्यादा बड़ी है, तुम्हें इसका मतलब पता है? यूहो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता,
मेरे को वेपन्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये कहते हुए यह सोचने लगता है। मुझे लगा ही था ये लड़की जेंडन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, इसलिए इसे वेपन्स की काफी अच्छी नॉलेज होगी। लड़की आगे कहती है, इसका मतलब है इसके पास में जो तलवार है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी तलवारें देखी है उनमें से सबसे शानदार तलवारों में से एक है। इसके बाद में हम चेन भी देखते हैं। चेन आराम से उस बोट के ऊपर खड़ा होता है। चेन के साथ वाला आदमी बोट को वापस से किनारे पे लेके आने लगता है। चेन इसके लिए उस आदमी को थैंक यू कहता है। वो आदमी कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने दो बार मेरी जान बचाई है। तुम नहीं होते तो मैं अकेला तो एक सेकंड भी उन मॉन्स्टर्स में नहीं टिक पा रहा था। इसी टाइम पर हम ऑडियंस से बैठे हुए किसी और को सीन देखते हैं। ये आदमी अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है? बॉडीगार्ड कहता है, इस फाइट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़का जिसने भी इस मॉन्स्टर को हराया है इसने अपनी 10% पावर का भी इन मॉन्स्टर्स को हराने में यूज नहीं किया है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओल्ड मैन कहता है, एक बार सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को बुला लूँ, उनको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उनको दे दूँ और उनसे कहूँ किससे फाइट करें तो क्या होगा? बुड़गर कहता है, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप कंगाल हो जाएंगे और इस लड़के के साथ में जो कुछ भी होगा उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस लड़के की मैक्सिमम पावर पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। हमें पता ही नहीं है ये कितना पावरफुल है। हो सकता है ये जीत जाए, हो सकता है हार जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर उस ओल्ड मैन का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है, तब तो जाने दो, बेकार में पैसे भी खर्च होंगे और कोई फायदा भी नहीं निकलेगा। जितनी देर में इन दोनों के बीच में बातें होती है, शेन उस बोट की मदद से इस लड़की के पास में पहुंच जाता है और फाइनली ये लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये शेन से कहती है, हेलो मेरा नाम है डुगू, जो कि हम चेंज कर देंगे, अब से इसका नाम गुड्डू है। ये लड़की शेन से कहती है, हेलो मेरा नाम है गुड्डू कुआंग। शेन कहता है, और मैं हूँ गु कुंचन, मुझे माफ कर दो, उस टाइम पर मैंने तुम्हें डरा दिया था। गुड्डू कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे हाथ में जो ये स्वॉर्ड है और इससे पहले तुम्हारे पास में जो बो था वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शानदार है। हमारे फैक्सी एम्पायर के अंदर हम इन वेपन्स को क्रिएट करते हैं और इनको कस्टमाइज भी करते हैं। अगर तुम्हें कभी भी ये कुछ भी काम कराना हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। यही बात करने के बाद में वो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। तभी योहो शेन के पास में आता है और उसे कहता है, बिजनेस के नाम पर नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। तभी गुड्डू उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहां जाने लगती है। गुड्डू के वहां जाने के बाद में योहो शेन से कहता है, तुम्हें पता है ना मैं मर्डरर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, हमारी कंपनी बहुत ज्यादा वेपन्स को यूज करती है, अब तुम इस लड़की को जानते हो तो तुम्हें हमें भी डिस्काउंट दिलाना होगा। तभी उस कसिनो की वेट्रेस शेन के पास में आती है और उसे कहती है, सर आप हमारे साथ में आइए, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। शेन कहता है, हाँ हाँ चलो। इसके बाद में शेन और योहो एक ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर उस कसिनो का बॉस बैठा होता है। इस कसिनो के बॉस का नाम मास्टर ज़ाओ केनवू है। ज़ाओ केनवू शेन और योहो की तरफ देखता है और उन्हें अंदर बुलाता है और उनसे कहता है, तुम्हें हमारा कसिनो कैसा लगा? योहो आगे बढ़कर थोड़ा खुश होते हुए कहता है, आपका कसिनो तो बहुत ज्यादा शानदार है और उसके अंदर जो भी गेम्स है वो भी काफी अच्छे हैं। ज़ाओ केनवू कहता है, मैं तुम दोनों को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये हमारे कसिनो के VIP कार्ड्स हैं जो कि केवल 30 ही है, इनमें से दो तुम दोनों को एक एक देता हूँ, इसकी मदद से तुम इस कसिनो के अंदर कभी भी आ जा सकते हो और साथ ही में कसिनो के स्पेशल फीचर्स को भी यूज कर सकते हो। शेन उस कार्ड को तो ले लेता है और फिर उससे कहता है, वैसे मेरा ग्रैंड प्राइस कहाँ पर है, मैं इस कॉम्पिटिशन जीत गया हूँ। ज़ाओ केनवू कहता है, वो तो केवल एक मार्केटिंग स्टंट था, केवल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने इसे बताया था, असल में ऐसा कोई भी ग्रैंड प्राइज नहीं है। शेन कहता है, ये सब फेक था। योहो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बिल्ली ने बताया था यहाँ पर हमें इस मोस्टली क्रॉप मिल सकते हैं, मेरी बिल्ली मुझे झूठ नहीं बोलती। शेन ज़ाओ केनवू से कहता है, हमें ये कार्ड नहीं चाहिए और ना ही कोई पैसे चाहिए, मेरे को केवल वो ग्रैंड प्राइज की जरूरत है। ज़ाओ केनवू कहता है, क्या तुम मुझे डराने की या फिर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक बात तुम्हें पहले साफ कर देता हूँ, ये मेरा कसिनो है, इस कसिनो के अंदर हमने कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को बुलाया है, अभी भी यहाँ पर दो ग्रैंड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है और उनको ह्यूमन शेप के दो पंचिंग बैग्स की जरूरत है, वो जरूरत मैं तुम दोनों से पूरी कर सकता हूँ, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ में ऐसा हो? और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। नाउ